हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई एक अफोर्डेबल अकूस्टिक गिटार पे वीडियो बनाएं, तो आज मैं एक अफोर्डेबल अकूस्टिक गिटार लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। लेकिन एक कंडीशन है जिस वजह से शायद ये डील अच्छी ना हो, तो वो क्या कंडीशन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए आगे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको गिटार सीखना है, तो मेरे कुछ काफ़ी यूज़फुल लेसन्स हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप डेफिनेटली चेक करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा गिटार रिलेटेड और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करें अफोर्डेबल अकूस्टिक गिटार्स की, तो जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है मैं कई अफोर्डेबल अकूस्टिक गिटार्स फीचर कर चुका हूँ। जैसे जो ये 2 से 3 हज़ार रुपये वाले अकूस्टिक गिटार्स होते हैं, इनमें यूजुअली यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको ट्रस रॉड नहीं मिलती, या जो है ओवरऑल जो सेटअप होता है वो अच्छा नहीं होता, और ये गिटार्स की लाइफ का भी पता नहीं होता कि ये कितने टाइम चलेंगे। इसके अलावा आप में से कई लोग कमेंट करके भी बताते हैं कि कईयों का जो एक्सपीरियंस है सस्ते गिटार्स के साथ वो अच्छा रहा है और कईयों का अच्छा नहीं रहा है। तो आज मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अकूस्टिक गिटार दिखाऊंगा, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर लिया था। ये एंट्री लेवल सेगमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डील्स लगी थी मेरे को, और ये गिटार मैंने लिया था सितंबर 2020 में, और अब है फरवरी 2021, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के बीच हो चुके हैं मेरे को ये गिटार को रखे हुए, और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है। तो आज यहाँ पे मेरे पास है प्रोएल का डेयर स्टोन 41 इंचेस ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार। तो यहाँ पे इस गिटार की जो स्पेसिफिकेशंस है वो टिपिकली एक एंट्री लेवल सेगमेंट अकूस्टिक गिटार जैसे ही है, तो देखने में ये गिटार जो है काफ़ी प्रीमियम लगता है। और ओवरऑल इधर जो है मेरा 4-5 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी अच्छा ही रहा है इस गिटार को लेके। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस गिटार की अनबॉक्सिंग। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पैकेजिंग थी इस गिटार की वो मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। ये गिटार एक सिंगल बॉक्स में आया था और यहाँ पे जो है एक काफ़ी थिन कार्डबोर्ड की शीट से कवर्ड था, तो यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस काफ़ी थे। लेकिन थैंकफुली जब मैंने बॉक्स को ओपन किया तो गिटार की जो ओवरऑल कंडीशन थी वो सही थी और कोई भी डैमेज नहीं था। तो ओवरऑल पैकेजिंग आपने देखी काफ़ी ख़राब थी, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यहाँ पे जो बॉक्स था काफ़ी वीक था। जैसे कि इवन मैंने उसको फ्लोर पे रखा तो गिटार टच हुआ था फ्लोर पे, तो मुझे लग रहा था कि डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स जो गिटार है वो डैमेज होगा, पर थैंकफुली ओवरऑल जो कंडीशन थी गिटार की एकदम अच्छी थी। लेकिन यहाँ मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे अमेजोन पे, इसमें आपको कई वेरिएंट्स देखने को मिल जाते, तो मैंने कुछ दूसरे वेरिएंट पे देखा था रिव्यू जिसमें जो है गिटार डैमेज निकला था आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो पैकेजिंग है वो काफ़ी पुअर है, जिस वजह से इन ट्रांजिट डैमेज होने के हाई चांसेस हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इन सब चीज़ों पे कि ऑनलाइन गिटार लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डेफिनेटली चेक करिए अगर आप ऑनलाइन गिटार खरीद रहे हैं। अब बात करें फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो ये गिटार आउट ऑफ द बॉक्स मेरा तो ओवरऑल सही निकला, इसमें कोई भी इशू नहीं था। मैंने जो है यहाँ पे एक ग्लॉस फिनिश ऑर्डर करा था, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो है बाय चांस जो है सैटिन फिनिश मिला, तो मेरे को इवन सैटिन फिनिश भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सेटअप की बात करूँ तो ओवरऑल जो गिटार का सेटअप था आउट ऑफ द बॉक्स वो सही था, और मुझे जो है ट्रस रॉड एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो क्लोजली जब मैंने इस गिटार को चेक किया था तो यहाँ पे मुझे थोड़े से फिनिश इश्यूज दिखे थे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो फिनिश है एजेस पे थोड़ी ख़राब थी। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड है क्योंकि पेंटेड है या स्टेन्ड है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो फिनिश था वो ओवरऑल मेरे को इतनी सही नहीं लगी थी। तो क्योंकि एक बजट फ्रेंडली गिटार है तो थोड़े बहुत जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो फिनिश इश्यूज़ है ये आपकी टोन या प्लेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते। अब यहाँ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेक्स हैं इस गिटार के। यहाँ पे जो बॉडी है वो कम्प्लीटली बनी है लिंडन वुड की। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक है उसके लिए कोई वुड मेंशन नहीं करी, बट आई अज्यूम जो है ये एक हार्डवुड का ही बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है उसके स्पेक्स जो अमेजॉन प्रोडक्ट पेज पे लिखे हैं वो है रोजवुड, पर यहाँ पे मैं आपको देख के बता सकता हूँ, एक क्लोजअप शॉट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे ये एक स्टेन्ड वुड है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रखा है कि किसी टाइप की हार्डवुड ही ले रखी है और उस पे जो है पेंट या स्टेन कर रखा है उसको एक एबनी वुड की लुक देने के लिए। तो ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है एंट्री लेवल गिटार्स में कि जो फ्रेटबोर्ड होता है और ब्रिज होता है उसमें जो वुड होती है उस पर स्टेन लगाया जाता है या पेंट लगाया जाता है, जिससे कि वो एक डार्क एबनी टाइप लुक मिले और वो थोड़ा सा प्रीमियम लगे। तो ये ओवरऑल आपकी प्लेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती। इसका जो मेन डिसएडवांटेज होता है बस वो ये है कि अगर आप बहुत प्ले करते हैं गिटार को तो ओवर द टाइम जो ये पेंट है ये चिप ऑफ होने लग जाता है।
तो बस यहाँ आपकी जो गिटार की ओवरऑल लुक है वो खराब होगी, लेकिन प्लेइंग वाइज आपको कोई भी इशू नहीं होगा ऐसे गिटार्स पे जिन पे फ्रेटबोर्ड पेंटेड होते हैं। इसके अलावा इस गिटार में ट्रस रॉड भी है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी यूजफुल रहती है अगर आपका नेक बेंड हो जाए तो। ये मेरे को एक एंट्री लेवल गिटार में काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्यूनिंग कीज है वो क्रोम कवर्ड है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो इनकी क्वालिटी है वो अच्छी है और यहाँ ट्यूनिंग भी जो है वो स्टेबल रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं आता कि जो गिटार है बार बार डी ट्यून हो रहा हो। तो काफ़ी बेसिक स्पेक्स है इस गिटार के जो कि टिपिकली आपको एक एंट्री लेवल अकूस्टिक गिटार में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है प्राइस। तो ये गिटार मैंने लिया था सितंबर 2020 में 3000 रुपीज़ का, और यहाँ पे इसका जो प्राइस है बहुत ही वेरी करता है। और यहाँ पे क्योंकि आपको अलग अलग फिनिशेस देखने को मिल जाती है, जैसे कि नेचुरल है, ब्लैक है, सनबर्स्ट है, तो फिनिशेस का भी यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत वेरी करता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगी कि फिनिश वाइज भी जो है प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ग्लॉस फिनिश है करंटली 7000 का है। इसके अलावा अगर आप सनबस देखेंगे तो वो अभी 2800 का है, लेकिन मे बी थोड़े टाइम बाद उसका भी प्राइस चेंज हो जाए। और जो सैटिन फिनिश वाला है जो कि मेरे पास है वो है अराउंड 3200 का अभी। तो ये प्राइसेस मैंने जब मैं शूट कर रहा था तभी मैंने देखे थे, लेकिन ये प्राइसेस बहुत वेरी करते हैं। जब से मैंने ये गिटार लिया है तब से मैं प्राइस मॉनिटर कर रहा हूँ और बहुत ही वेरी करा है इसका प्राइस, कि 3000 का भी गया है, 2500 का भी गया है, फिर 4500 का भी गया है, 5000 का भी गया है, 5500 का भी गया है, मतलब बहुत ही वेरी कर रहा है। तो जैसे कि आज ये मैंने बड़ी स्ट्रेंज चीज़ देखी कि सेम गिटार बस फिनिश का डिफरेंस है और जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो जो गिटार आपको 3200 का मिल रहा है उसी का ग्लॉस फिनिश आपको 7000 के अराउंड मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि इस तरीके की प्राइस डिस्क्रिपेंसी क्यों है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हर फिनिश का अलग प्राइस जो है वो कोट कर रखा है। तो अगर ये गिटार जो है 4000 से कम की प्राइस रेंज में रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको क्या फिनिश ऑफर हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील्स जो कि आप एंट्री लेवल अकूस्टिक गिटार्स में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गिटार जो है 6000, 7000 और इवन अगर 5000 प्लस की रेंज में आता है तो मुझे ये इतना वर्थ नहीं लगता। तो प्राइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस गिटार को अमेजिंग बनाने के लिए और नॉट सो अमेजिंग बनाने के लिए। जब मैंने उस टाइम भी ये गिटार लिया था तो मैंने इंस्टेंटली इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे को ये था कि 3000 में आपको एक 41 इंचेस का विथ ट्रस रॉड अकूस्टिक गिटार मिल रहा है। तो मैं देखना चाहता था कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, ये गिटार कैसा परफॉर्म करता है। मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं देना चाहता था कि भाई हफ्ता 10 दिन में ट्राई किया और उसके बाद अगर कोई इशू आया तो फिर उसको एड्रेस करना में दिक्कत होती है और फिर लोगों को भी दिक्कत होती है कि गिटार लिया और फिर उसमें इशूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये गिटार करीब वही 4-5 महीने मैंने ट्यून करके रखा, बीच बीच में इसको चेक भी किया तो ना तो इसका ब्रिज निकला ना ही इसमें और कोई दिक्कत आई और ओवरऑल काफ़ी स्टेबल रहा है ये गिटार। तो चलिए फटाफट इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो साउंड वाइज जो ये गिटार मेरे को काफी अच्छा लगा। अब ये एक एंट्री लेवल सेगमेंट का अकूस्टिक गिटार है और मैंने ये 3000 का लिया था, तो 3000 के हिसाब से जो है इसकी टोन मेरे को काफी अच्छी लगी, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी लगी। तो अंडर 4000 जो है ये एक काफी अमेजिंग डील है, जिसमें आपको एक ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार मिल रहा है विद ट्रस रॉड। और इसके अलावा अगर इसका प्राइस जो है आपको ज़्यादा दिखता है या आपको डील नहीं मिलती इस पे, सपोज आपको जो है ये 5000 या उससे ऊपर की प्राइस रेंज में मिल रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि फिर आप जो है कोई और ब्रांड कंसीडर करिए, जैसे कि यामा F280 है या मैंटिक AG370C है, जो कि बहुत ही अमेजिंग और वैल्यू फॉर मनी ड्रेडनॉट अकूस्टिक गिटार्स है इन 6 to 7000 प्राइस रेंज। तो ये अकूस्टिक गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय।